ये पहली बार लोक स्मार्ट न्यूज चैनल पर डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद का बिल्कुल एडवांस अनाउंसमेंट है। पूरा समीक्षा हमारे स्तर से किया गया बीजेपी पार्टी पर, और बिहार के में जितने जो 40 जो लोकसभा सीटें होंगी, आज हम बता रहे हैं कि किन किन एमपी का जो लोग हैं वर्तमान में, किन को इस बार बीजेपी से उनको सीट लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं, चौंकिएगा मत, बस सोचिएगा, सुनते चलिए। पूरा जब वीडियो सुन लेंगे तब आप सोचेंगे, और तब आप समीक्षा करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम सभी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी पार्टी के द्वारा सबसे चर्चित कद्दावर नेता जो बीजेपी के सारण के हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी को इस बार इनका पत्ता कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कटने के कारण याद होगा कि पप्पू यादव जी ने एक बार कई एम्बुलेंस गाड़ी का मामला मुद्दा उठाया था, जो आज तक पूरे जनता में इस प्रश्न पर अभी तक संशय बना रहता है कि आखिर कौन सी कार्रवाई हुई। वही कार्रवाई, वही एम्बुलेंस गाड़ी के कारण इस बार आप देखेंगे कि बीजेपी से इनका टिकट बिल्कुल कट जाएगा, और राजीव प्रताप रूढ़ी जी अब यहाँ के सांसद पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल लोक स्मार्ट चैनल का ये पहला विस्फोटक जनहित में है। अब शुरुआत करते हैं नंबर दो। दूसरे नंबर पे आते हैं राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह जो मोतिहारी के एमपी हैं, लगातार ये दूसरे प्रदेशों में बीजेपी की तरफ से सेवा करते हैं। उम्र भी इनके समाप्त हो गई है, वो अब इनके पास पैनीपन नहीं रहा कि इस बार इस महागठबंधन के सामने राधा मोहन सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो बीजेपी लूज कर जाएगी। इसलिए मोतिहारी से राधा मोहन सिंह जी का भी पत्ता साफ। अब शुरुआत करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आप चौंक जाएंगे, बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन लोक स्मार्ट चैनल बिल्कुल विश्वास करने वाला ही जनहित में ये ऐसे हम प्रपोज करते हैं, वो हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को इस बार बेगूसराय से बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी, और इनका भी टिकट कटने वाला है। इसका बहुत बड़ा कारण इनका एज, वार, बड़बोलापन, और जिस तरह से कई चीज़ें जो बातें आ रही हैं, वो इस समय जो बेगूसराय से अगर इनको सीट पे चुनाव लड़ा जाता है तो गिरिराज सिंह निश्चित तौर पर हार जाएंगे, इसलिए इनका भी पत्ता कट गया। अब शुरुआत करते धीरे धीरे, धड़कन रखिए दिल पर, और देखिए लोक स्मार्ट चैनल का एडवांस वाणी, भविष्यवाणी कह सकते हैं कि अब चलिए हम ले चलते हैं सीवन, आपको ले चलते हैं सीवन में। रमा देवी जी जो सांसद हैं, उनका सबसे खराब परफॉर्मेंस, बिल्कुल कोई नो वर्क नो एक्शन, इनका पत्ता होगा साफ। यानी अब तक 4 एमपी का मैंने हिसाब किताब दिया, अब हम चलते हैं पांचवें नंबर पर। यहाँ भी दिल थाम कर बैठेंगे, वो है बक्सर के अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे का पत्ता साफ, क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस केवल बात बनाना रह गया। इन्होंने जो करना चाहिए उन्होंने किया कुछ नहीं, अपने पुत्र के लालच में बीजेपी में ये अन्य दलों के अनुसार परिवारवादी जो बनाने वाले थे, कत्ते बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, और इनको भी टिकट, इनका भी पत्ता होगा साफ। अब सवाल खड़ा होता है कि कौन लड़ेगा वहाँ से। वहाँ एडवांस सुन लीजिए, वहाँ से मनोज तिवारी चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली से उनको हटा दिया जाएगा। और मनोज तिवारी इसलिए लड़ेंगे कि बक्सर से ब्राह्मणों का बाहुल्य क्षेत्र है, कलाकार हैं, लोगों के बीच में भोजपुरी में आज भी उनकी इज्जत प्रतिष्ठा है, और निश्चित तौर पर मनोज तिवारी जी का आपको टिकट मिलेगा, और संभावित है कि वो जीत भी लेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, पटना चलते हैं। आपको
पटना में चलते हैं, पटना साहिबपुर, रवि शंकर प्रसाद जी का पत्ता होगा साफ। एज बार के साथ साथ कहना ये है कि इनका भी कई तरह के जो रेपुटेशन होना चाहिए पटना में बीजेपी के तरफ प्रति। आखिर रवि शंकर प्रसाद को भी टिकट नहीं मिलेगा और इनका भी पत्ता हो गया साफ। बीजेपी से रवि शंकर प्रसाद जी को टिकट नहीं मिलेगा, अब सवाल खड़ा होता है किसको दिया जाएगा, क्योंकि ये कास्ट बिरादरी से आते हैं, कास्टों के जीत होती है पटना में। एक सिंगल नया नाम है डॉक्टर अजय आलोक, जो बिरादरी के कास्ट हैं, हो सकता है कि उनको वहाँ से टिकट मिले और चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से जीत सकते हैं। अब चलते हैं, सीधा ले चलते हैं आपको रोहतास। रोहतास के जो एमपी हैं छेदी पासवान जी, उनको भी बीजेपी से पत्ता होगा साफ, उनका पत्ता होगा साफ। लुक स्मार्ट चैनल कहता है कि जेडीयू के अभी जो ललन पासवान हैं, बहुत जल्द जेडीयू छोड़ करके वे आपको सीधे बीजेपी ज्वाइन करेंगे और छेदी पासवान की जगह वो चुनाव लड़ेंगे। ये जो ललन पासवान जी, बस सिग्नल के देरी है, आप देख लेंगे कि लुक स्मार्ट चैनल ने क्या था, वो बीजेपी का सीट रिजर्व कर दिया गया है और इनको सिग्नल भी दिया जा रहा है ललन पासवान जी को रोहतास के लिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब दरभंगा चलते हैं हम। दरभंगा के जो एमपी जो गोपाल जी ठाकुर का भी पत्ता होगा साफ, इनको नहीं मिलेगा टिकट वहाँ से। हर कार्य क्षेत्र में बोलने के अलावा इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, इनका जो कार्य के अनुसार इनका भी दरभंगा से भी होगा पत्ता साफ। अब सीधे चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं ये मधुबनी के जो एमपी हैं बीजेपी के अशोक यादव, उनको भी टिकट होगा साफ, वहाँ से उनको भी टिकट नहीं मिली। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रवाल जी का भी बीजेपी से अब इस बार टिकट होगा साफ, क्योंकि लगातार एक राजपूत जाति से आने वाले लगातार सारण रूढ़ी जी से लेकर और महाराजगंज तक, ये इस बार बीजेपी किसी पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति को वहां से दिया जाएगा और जनार्दन सिग्रवाल जी का भी वहां से पत्ता होगा साफ। अब चलते चलते एक और आपको चौंकाने वाला नाम लेते हैं, वो है उजियारपुर सीट पर सम्राट चौधरी ने दावा ठोक दिया है, वो चाहते हैं कि हम वहाँ से बीजेपी से टिकट से लड़ें। हो सकता है कि सम्राट चौधरी को जो हेड बनाकर चीफ मिनिस्टर के बनाने की बात आई है, ये बीजेपी अभी सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री के पद पर इसलिए नहीं बनाएगी, इसलिए बहुत चलाकी से इनको दिया जाएगा टिकट, उजियारपुर का टिकट, जो वहाँ के जो वर्तमान जो एमपी हैं उनको दूसरी जगह बेगूसराय या कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। और तीसरे आपको सबसे बड़ी खबर देना है कि आरके सिंह और बीना सिंह के बीच में भी काफ़ी टफ, लेकिन कौन होगा, ये पहली बार लुक स्मार्ट चैनल ने बीजेपी में 40 सीटों में से इतने एमपी का टिकट का पत्ता साफ होने वाला है। इस तरह से बारी बारी से हम सभी दलों के बारे में ये चैनल बताता रहेगा कि कौन 40 सीटों में से किसका पत्ता होगा साहब, कौन लड़ेंगे चुनाव। फिर मिलते रहेंगे, बस वीडियो के देखिए, एंजॉय कीजिए, सोचने पर मजबूर कीजिए, कमेंट कीजिए, हम जवाब देंगे आपके साथ। जय हिंद।